हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है किचन से, आप लोगों को पता है। तो किचन से क्यों हो रही है आप समझ ही गए होंगे। तो आज है हरेला, तो सबको मेरी ओर से हरेला के हार्दिक शुभकामनाएं। जी जिसके यहाँ होता है उसको भी हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिसके यहाँ नहीं होता उसको भी हैप्पी हरेला। तो गाइस आज हरेला है, देख सकते हो आप लोग, और मेरे यहाँ भी इतना हरेला आ चुका है, क्योंकि हम यहाँ तो बोते हैं नहीं, हमारा गांव में ही बोया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं बोते हैं। तो मेरे फिर भी इतना सारा हरेला आ चुका है, तो देख सकते हो आप लोग। तो और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने किचन से कर दी है। तो किचन में मैंने वो सब्ज़ी बना रखी है, और ये खीर है, और ये पूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो खाना पीना बना के मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप लोग भी जिसको सग्यान खानी है आ सकते हो, जिसके यहाँ सग्यान नहीं बनी है वो मेरे घर आ सकते हैं खाने के लिए। तो फिलहाल मैं ये टीके की थाली दूंगी अपनी नंद को, नंद बुलाई है मैंने यहाँ पे, तो इनको दूंगी, नंद को पहले, बच्चों को, सो सबको मैंने टीका लगा दिया है, और एक ने नहाया नहीं है नहीं नहा तो लिया उसने, और वो सो रखा है, उसको अभी हरेला चढ़ाया नहीं, और बाद में जब सो के उठेगा तब उसको टीका लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं अभी अपनी नंद को दे रही हूँ थाली। दे दिया मैंने अपनी नंद को, इनको बोला मैंने ऊपर कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी में भेजाओ पौनी, कुर्सी में भेजाओ, खुटा के पीढ़ हर चीज़, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो थाली दे दिया मैंने अपनी नंदू को, इनको बुलाया था मैंने, मैंने कहा आ जाओ टीका लगा लो, पिठियाँ लगा लो, और हरेला तो गांव में होता है, फिर ये पंडित जी दे के गए हैं थोड़े से, और थोड़ा दो चार पड़ोसियों ने दे रखा है, तो हमारा भी हरेला इतना इकट्ठा हो गया है थाली में, देख सकते हो आप लोग। और हरेला हमारा गाँव में ही होता है, वो आप लोगों को पता ही है, एक ही जगह बोया जाता है हरेला। और तो आप सबको मेरी ओर से हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं, दोबारा से फिर बोल रही हूँ आप लोगों को। तो आज हरेला जो है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व, मतलब बहुत बड़ा त्यौहार है आज हमारे उत्तराखंड का हरेला। तो आज से हम लोगों का सावन लग जाता है, सावन का आज पहला दिन है हमारा। और लगा लो उसी के ऊपर लगा लो, का करके खाना यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, तो देख सकते हो आप लोग खाना सर्व कर दिया है मैंने, और इधर मेरी प्लेट है, अपनी प्लेट भी मैंने सामने, इनके सामने मैं भी बैठूंगी। तो चलो अब खाना खाते हैं गाइस, आ सकते हो आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो आज हरेले का त्यौहार हुआ फिर। तो दोस्तों खाना पीना खा के सबसे बड़ा वाला काम होता है ये, देख सकते हो जो मेरा कैमरामैन कर रहा है अभी, तो आज मैंने कैमरा नहीं दे रखा उसको, तो आज मेरा कैमरामैन कर रहा है इनका काम, जो खाना पीना खा के सबसे बड़ा काम लगता है गंदा वाला। तो देख सकते हो आप लोग कितने सारे बर्तन लग गए हैं मेरे यही चीज़ मेरे को खाना पीना खा के फिर ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है, और मेरे घर में सबसे ज़्यादा बर्तन लग जाते हैं। तो देख सकते हो कितने सारे बर्तन लग गए, और अभी जो जिन बर्तनों में बनाया है वो बर्तन धुले नहीं है, देख सकते हो आप लोग इधर, ये खाली खाने खाने के बर्तन हैं। आज कैमरामैन की ड्यूटी लगी है, इधर मैंने कैमरामैन की ड्यूटी लगा रखी है, और मेरी ड्यूटी क्या लगी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं सीधे, और मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है, देख सकते हो आप लोग, ये मेरी ड्यूटी लगी है, तो इसीलिए मैंने कैमरामैन की ड्यूटी अंदर लगा रखी है, और मैं यहाँ पे हूँ, तो देख सकते हो आप लोग सबकी ड्यूटी लगी है अपने अपने काम पे। तो दोस्तों बेटी के साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती भी हो गई है, और थोड़े बर्तन उसने धोए, फिर कपड़े मैंने धोए, थोड़ी मजाक मस्ती भी हो जाती है घर में कभी, तो उसके साथ मजाक मस्ती तो हो गई है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझा दूँ हरेले के बारे में, तो जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको तो पता ही है हरेला क्या होता है, और कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है करके, और उसके जो अदर लोग हैं उन लोगों को मैं बता दूँ। तो ये जो हरेला है, ये हरेला आषाढ़ के महीने में बोया जाता है, यानी कि जुलाई, और तो जुलाई में जब ये बोया जाता है, और इसको
पाँच या नौ अनाज मिला के बोया जाता है, पाँच या नौ अनाज मिक्स करने पड़ते हैं, सात अनाज में सतनज हो जाता है, सात अनाज नहीं मिलाते हैं, पाँच या फिर नौ अनाज मिलाने पड़ते हैं फिर बोया जाता है। ये एक पत्तों का पूड़ा बनता है गांव में, यहाँ तो टोकरी में बो देते हैं, यहाँ कहाँ से आते हैं पत्ते के पूड़े, तो यहाँ टोकरी में बोते हैं। और जब हमारे गांव में बोते थे तो पत्तों के पूड़े बनाते थे, तो उन पूड़ों में ये हरेला बोया जाता था। तो ये पूरे नौ या दस दिन रखना पड़ता है, और हमारे यहाँ तो दस दिन का होता है, किसी किसी के यहाँ नौ दिन का होता है, ज़्यादातर लोगों के दस दिन का होता है, दसवें दिन में इसको काटते हैं। तो इसको काटने के लिए पंडित बुलाए जाते हैं घर में, और पंडित अपने मंत्र वंत्र पढ़ के पंडित इसको काटते हैं, और उसके बाद घर में ढेरों सारे पकवान बना के इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 या 17 जुलाई को, ठीक है ना। तो जिसका 10 दिन में होता है वो एक दिन पहले बो लेता है, जिसका 9 दिन का होता है वो एक दिन बाद में बोता है, और सेलिब्रेट सारे एक ही दिन करते हैं, ये नहीं कि आगे पीछे हो सेलिब्रेट, सेलिब्रेट सब एक ही दिन करते हैं। तो आज से जो है हम लोगों का सावन स्टार्ट हो जाता है, और तो घर में आज के दिन ढेरों पकवान बना के इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये होता है हरेला, और हरेला जो है हमारे उत्तराखंड का एक लोकप्रिय त्यौहार है, और जिसको हर कोई सेलिब्रेट करता है, और किसी किसी के यहाँ नहीं भी होता है, कुछ पहले पूर्वजों में कुछ बात हो गई होती है तो वो लोग नहीं मनाते हैं, नहीं तो अदर ज़्यादातर लोग मनाते ही हैं। कोई कोई लोग ऐसे होंगे जैसे 100 में से 5% लोगों के यहाँ नहीं होता होगा, और नहीं तो हर किसी के यहाँ होता है। और ये था हरेला, जो मैंने आपको हरेले के बारे में बताया है। और तो मेरे हाथ में मैंने अभी पकड़ रखा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। और हमारा तो गांव में बोया जाता है, हम यहाँ नहीं बोते हैं, तो इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं क्यों नहीं बोती हूँ यहाँ। जैसे हम घर से अलग नहीं हुए, हमारे घर से हिस्से नहीं हो रखे हैं जब तक, तब तक हम अलग नहीं बो सकते हैं। तो हमारे गांव में अभी हिस्से नहीं हो रखे हैं भाइयों के, हम इकट्ठे हैं, तो घर में ही बोया जाता है गाँव में, और तो हम यहाँ नहीं बो सकते हैं। और हाँ, जब ज़मीन के हिस्से हो जाएंगे जिस दिन, तो उस दिन से फिर मैं बोना स्टार्ट कर सकती हूँ, नहीं तो अदर नहीं कर सकती हूँ। तो ये है गाइज हरेले के त्यौहार के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। पहाड़ियों को तो पता है ही हरेला क्या होता है करके, जो अदर लोग हैं उनको बता रही हूँ कि हरेला ये चीज़ होती है, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो थोड़ा वीडियो में, और आजकल आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो और ना वीडियो को शेयर कर रहे हो, और कमेंट करना तो दूर की बात है, ना लाइक आते हैं आपके, ना कमेंट आते हैं, और ना आप लोग शेयर करते हो, कभी शेयर भी कर दिया करो, और जो जो जानते हैं वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करो वीडियो को। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद।